बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो, घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने दातून काटने के लिए किया करता था। उस चाकू की पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा, दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विद्यार्थी कौन था? वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, आज 2700 वर्षों बाद भी, विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यह है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।